मुरादाबाद के जामा मस्जिद चौराहे पर आज जुमे की नमाज के बाद हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। दरअसल पिछले दिनों डासना मंदिर से जुड़े स्वामी यति नरसिंहानंद ने मुस्लिमों के पैगंबर इस्लाम के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद से मुस्लिम समाज के लोग देश भर में स्वामी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं आज मुरादाबाद में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हमारे हुजूर की शान में एक साधु ने जो गुस्ताखी की है और बहुत ही इंतहाई दर्जे के गंदे अल्फाज जो है उनके बारे में कहे गए हैं, जिसकी वजह से तमाम दुनिया के मुसलमानों जबरदस्त गम गुस्सा है और आज जो है पूरे मुल्क के अंदर इसके खिलाफ जो है एहतजाज हुआ हैगा। हम भी आज यहाँ जामा मस्जिद पर इकट्ठे हुए होंगे और हमने उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन जो है एसीएम फर्स्ट साहब को पेश किया है। हमारी मांग यह है कि इस आदमी पर जो है लगाम लगाया जाए, किसी भी धर्म का कोई मतलब किसी भी धर्म के बारे में कोई कहेगा वो हिंदू मुसलमान हो उसे गिरफ्तार किया जाए और इसका पागल हो जाए, इसे बाकायदा गिरफ्तार कर ऐसे लगाया जाए और डाले जाए पगड़ खाने में डाले जाए। ये जो है बिल्कुल देश की जो है शांति को खतरा पैदा कर रहा है। और के पास गए आपको क्या नहीं हो तो बहुत भीड़ थी हमारे यहाँ, ईसाई से एसिम साहब यहीं तशरीफ लाए थे, जब उन्होंने कहा कि हम आपकी भावनाओं से जो है माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार को अवगत करा देंगे, बस हमारा उन्होंने ज्ञापन ले लिया है। और हमारी मांग ये है कि उस पर ऐसे लोगों पर लगाम लगाया जाए, उस पर एनएसए लगाया जाए, गिरफ्तार किया जाए। उसके खिलाफ पूरे देश में जो है हर गांव देहात शहर में मुकदमे कायम हो रहेंगे। पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया, दिल्ली में मुकदमा कायम है कोई एक्शन नहीं लिया, समझे वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा कायम कोई एक्शन नहीं लिया। तो हमारा मांग है कि जितने मुकदमे कायम हो रहे हैं और दिल्ली पुलिस में भी मुकदमा कायम हुआ है उसी मुकदमा आधार पर उसे गिरफ्तार किया जाए उसको, ताकि शायद देश में जो है शांति का माहौल बन जाए। मुसलमान इसको लेकर बहुत कमजोर है।